आपने अगर प्यार से देखा नहीं मुझको, वरना मैं शहर छोड़ जाऊंगी। क्या बात है। जैसा कि पंच परमेश्वर का आदेश आया है, उसी बात को ध्यान में रखते हुए शिव पुराण से बड़ी सुंदर रचना आप सुन रहे थे। बड़ी सुंदर रचना मैं भी लेकर आया हूँ, उम्मीद है आप पसंद करेंगे। हम बच्चों का उत्साह बढ़ाएंगे। शिवपुराण पेज नंबर 735 21वें अध्याय की यह कथा आप श्रवण करेंगे कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कैसे स्थापित हुआ। एक समय की बात, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों की परीक्षा ली कि जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसे प्रथम स्थान दिया जाएगा। इधर कार्तिकेय अपने मोर पर बैठ करके पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल जाते हैं। भगवान गजानन अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं और अपने माता पिता को ही चारों धाम मान करके सात परिक्रमा करके और प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं। जब तक इधर स्कंद जी कार्तिकेय जी लौट कर आते हैं, भगवान गजानन का विवाह हो जाता है और भगवान गजानन के सुवर्णलाभ नामक दो पुत्र हो जाते हैं। जब इस बात का पता स्कंद जी यानी कि कार्तिकेय जी को लगता है तो आज अपने माता पिता से रूठ करके और क्रौंचगिरी पर्वत पर यानी शैल पर्वत पर चले जाते हैं। माता पार्वती अपने पुत्र के वियोग में विलाप करती हैं। यही कथा आप श्रवण करेंगे। तो लाल बिना कैसे रहूं, तुम बिन जिया न जाए, आज तड़पती आत्मा ने नन नीर बहा। लाल तुम हमें अकेला छोड़ करके चले गए, कैसे हम तुम्हारे बगैर रहेंगे। देखिए क्या होता है। आजा मेरे लाल, मुझे तेरी माँ
रूट करके क्रोचगिरी पर्वत पर चला गया है। आपको मेरे साथ आना होगा। आज हम दोनों ही अपने लाल को मना करके वापस कैलाश लेकर आएंगे। उसे आप भूल जाएंगे।
प्रभु। आज इधर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय को ढूंढने के लिए क्रौंचगिरी पर्वत पर जाने की तैयारी करते हैं। इधर जैसे ही स्कंद जी को पता लगता है कि मेरे माता पिता मुझे ढूंढते ढूंढते क्रौंचगिरी पर्वत पर आ रहे हैं, तो आज अपने माता पिता से तीन योजन दूर चले जाते हैं। देखिए क्या होता है। और तुम्हें साथ मेरे ए जियाना होगा, ए तुम्हें साथ मेरे आना होगा, ए बातें पुरानी भुलाना होगा, तुम्हें साथ मेरे शैल पर्वत पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आगमन होता है। देखते कि वहां पर स्कंद जी यानी कार्तिकेय जी नहीं है, तो आज भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ज्योतिर्लिंग ज्योति के रूप में वहीं पर विराजमान हो जाते हैं, जहां पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। और जो भी भगवान भोलेनाथ के इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं उनके समस्त पापों का नाश होता है। और शिव पार्वती ज्योति बन के शिव पार्वती ज्योति बन के सारे जग में किए उजाले। शिव शंकर डमरू वाले शिव शंकर डमरू वाले शिव शंकर डमरू वाले शिव शंकर डमरू वाले शिव पार्वती ज्योति बन के सारे जग में किए उजाले। बड़े भैया सुधीर यादव जी आपकी ओर से आशीर्वाद आया है, मंडल आशीर्वाद की कामना। शिव पार्वती ज्योति बन के सारे जग में किए उजाले। शिव शंकर डमरू वाले शिव शंकर डमरू वाले शिव शंकर डमरू वाले जिस जगह पे तुमने वास किया
पर जो दर्शन करने आता है जीवन में आए उजाले शंकर डमरू वाले जब शंकर डमरू वाले शंकर डमरू वाले ताली बजाएं भैया, बहुत ही बढ़िया प्रसंग शिव महाप्राण से माँ वैष्णो भजन मंडल सिंगोड़ी पिपरिया के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद आपको। समय आपका हो गया है।